कोरोना महामारी दरमियान हुण ब्लैक फंगस के केस भी पंजाब विच मिलन शुरू होए हन। सारे मरीजों की अख नक के विचकारले हिस्से विच स्थित हड्डी जिस नूं ऑर्बिट कहा जाता है उस विच फंगस है। इस तों इलावा साइनस भी इनफेक्टड हो चुका है। इन्हां सारे मरीजों का इलाज जारी है। उत्थे मरीजों के इलाज लई हुण समाज सेवी संस्थावां भी अगे आउणियां शुरू होईयां हन। इस मामले विच डॉक्टरां दा कहना है कि हुण तक उन्होंने प्राप्त जानकारी च 10 कु मरीज ब्लैक फंगस के उन्होंने सामने आए हैं, जिन्हां दे इलाज लई उन्हां दी संस्था ते होर समाज सेवी संस्थावां मिल के अगे आईयां हन। कुमार है, मैं पठानकोट तो बिलोंग करदा। मेरे ब्रदर ने मनीष कुमार नैयर पठानकोट तो, ते ये सितंबर दी गल है जी, 1 सितंबर पूरे दी इन्हां नूं इनफेक्शन हो गई सी चेस्ट दी। उस टाइम अही बड़े हस्पतालां च घूमे, उधर सारे सानू किते उन्हां एडमिट नहीं कीता। फिर इत्थे अंबरसर जा के एडमिट होए, ते जदों 1 महीना लगातार एडमिट रहे इत्थे इस बीमारी दे, जे ते साडा रुपया पानी वांगू रुपया लग्गिया ते पानी वांगू। फिर जो लास्ट छुट्टी मिलन ते आई ते इन्हां दी अख सुज के बाहर आ गई, ते इन्हां नूं हो गई ब्लैक फंगस हो गई। फिर इत्थों छुट्टी लवा के कोविड नैगेटिव हो गया, इत्थों छुट्टी दवा के अं चले गए पठानकोट। उत्थे जाके फिर प्रॉब्लम हो गई उस चेस्ट दी, फिर उत्थों आपां चौहान दे हॉस्पिटल एडमिट होए उत्थे पठानकोट। उत्थों ट्रीटमेंट कराया, फिर उत्थे दोनों ट्रीटमेंट कराते रहे, नाले फेफड़िया का ते नाले ब्लैक फंगस लई। अही हर रोज़ अंबरसर आते रहे एंबूलेंस करके, फिर इत्थे भी सर्जरी चलती रही, नाल उत्थों ट्रीटमेंट चलता रहा। तो कम से कम 8 महीने हो गए सानू लगातार हस्पतालों फिरद, तो साढ़े को हूँ तो हाथ खड़े हो गए ना। साढ़ा बहुत ज़्यादा रुपया लग गया ना, क्योंकि प्राइवेट को अभी बीमा भी नहीं कराया कोई, तो पर साड़ी बहुत बुरी हाल चलती भी है हूँ। साढ़े को पैसा तो लग गए भी अजा ट्रीटमेंट इन्हों का चलना है, क्योंकि सारा अख का सारा सिस्टम रिमूव हो गया। अख भी है नहीं, अंदर हड्डी भी है नहीं, जबाड़ा भी कट लिया है, सब कुछ रिमूव है हूँ। इन फिर सारा समान लगना है, तो ये अज तक अं सारा कुछ अपने जो भी है सब कुछ बेच बट के लाता है। हम साड़ी रिक्वेस्ट है सरकार के अगे हाथ जोड़ के कि जरा आने वाला खर्चा कम से कम जो पिछला कोई दे सकते कंपनसेशन वो दे दें। अभी बाल बच्चेदार आदमी बड़ी मुश्किल गुजारा चलता, तो इस बीमारी ने ब्लैक फंगस तो कोविड ने यह साढ़े सारे परिवार को हो गया है, तो साड़ा माली हालत बहुत वीक हो गई है ना। इस करके सरकार अगर बेनती है कि जो कोई मदद हो सकती तो साड़ी भी करो। अभी भी व्यापारी हैं, सरकार को टैक्स देते रहे हैं, सब कुछ देते रहे हैं, तो बेनती है कि साढ़े को हम अगला खर्चा करने लिए पैसे घट रहे। मेरा नाम डॉक्टर MS दीवान है जी, मुस्कान सोसायटी वालों हाँ। सानू प्रवासी सहायता जिड़ी कि मिस्टर सैनी की ऑर्गनाइजेशन है टोरोंटो कैनेडा वालों, असी और सपोर्ट नाल चल रहे हैं। असी आज दिखा रहे हैं ब्लैक फंगस के केस जिड़े कि पोस्ट कोविड स्टीरोइड की यूज़ नाल बहुत वध गए। जो पेशेंट डायबिटिक है, अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, उन्होंने यूज़ के कारण जिड़े कि ब्लैक फंगस है बहुत वध गई है। यह पेशेंट जो 2-3 अज आ रहे हैं यह ब्लैक फंगस से है। 1-2 पेशेंट ओपरेटेड है, तो 1-2 असं ओपरेट करने हैं। ये की होंगे कि पेशेंट जो कोविड वास्ते बहुत ज़्यादा स्टीरोइड लेते जाते, जो अम्यूनो डायबिटिक पेशेंट है या अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उन्होंने ब्लैक फंगस हो जाती जी कि म्यूकर माइकोसिस जिन्हों इंग्लिश कहने, उल्ली कॉमन वर्ड उल्ली जिन्हों कहने, उल्ली वो सारी इनवायरमेंट प्रेजेंट होंगी है उल्ली ब्लैक फंगस, जेडे कि पेशेंट जिन्हों बहुत ज़्यादा स्टीरोइड दिता जाता है उन्होंने कारगर होकर उत्थे डिजीज़ पैदा कर देती है जिन्होंने ब्लैक फंगस कहते हैं। और कारण सानू सारा जबाड़ा अख अपर का साइनस कढ़ना पैंदा, जे असी ना कढ़ीए तो उपर क्रेनियल सिर वल चले जाती प्रॉब्लम, तो पेशेंट की डैथ हो सकती है। यहाँ अजे तक 50% यहाँ प्रोग्नोसिस जोड़ा जिड़ कि 50% पेशेंट बच जाते हैं, 50% पेशेंट नहीं बचा पाते। यहाँ दवाइया जी एम्फोटेरिसिन बी है वो बहुत महंगी दवाई है जी, पेशेंट को काफ़ी देर तक चलती है। उस तो बाद जो पेशेंट ठीक हो जाता है वो एक फिजिकल स्टिग्मा हो जाता, क्योंकि वो अख कटी जाती, जबाड़ा कटिया जाता ना, और कोई रोटी खाधी जाती है। और रीहैबिलिटेशन एक सैकेंड पार्ट रहेगा जोड़ा कि असं चाहते हैं कि साड़ी मुस्कान सोसायटी जी कि सपोर्टेड है प्रवासी सहायता मिस्टर सैनी की ऑर्गनाइजेशन वालों कैनेडा टोरोंटो वालों, वो सानू सपोर्ट करन ताकि असी इदा के मैक्सीम टू मैक्सीम पेशेंट जेडे कि जिन्होंने ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस हो गई है उन्होंने रीहैबिलिटेशन, उन्होंने इलाज तो उन्होंने ट्रीटमेंट कर सकी, क्योंकि मोस्टली ये पेशेंट बहुत पुअर तबके तो आते हैं। तो जब तक है कोविड का इलाज कराते वैसे ही फुक चुके हुए हैं, जिन्होंने कोविड का इलाज कराया जो बचे है 20-30 लाख रुपया खर्च के आए हैं मरीज। यह पेशेंट है, यह पेशेंट पर्टिकुलर पेशेंट 25-30 लाख रुपया खर्च हो गया बचन से, तो उन्होंने को की पैसा रह गया कि वो इलाज कराएगा रीहैबिलिटेशन वास्ते फर्दर।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ।